एसोसिएशन जम्मू। जैसा कि आप सब जानते हैं कि एक श्रीनगर की 6 साल की बच्ची जिसने वो कमाल कर दिखाया जो आज तक कोई मिनिस्टर नहीं कर पाया, बड़े बड़े लीडर नहीं कर पाए, कोई बाबू लोग नहीं कर पाए, वो आज एक 6 साल की बच्ची ने एजुकेशन डिपार्टमेंट को नींद से जगाया। हमारे जम्मू कश्मीर गवर्नर रूल को जो इस टाइम चला उसको नींद से जगाया। और सबसे पहले तो हम एलजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि कम से कम 2.5 साल के बाद ही 2.5 साल के बाद ही कोई एक एलजी ऐसे आए जिनको छोटी बच्ची की वीडियो देखकर थोड़ा रहम आया और उन्होंने ऑनलाइन स्टडी पे जो ऑर्डर निकाला, जो इनिशिएटिव लिया, वो इनिशिएटिव किसको लेना चाहिए था? वो इनिशिएटिव लेना चाहिए था हमारे डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर, जो कि हजारों कंप्लेने कर चुके हैं हम कि ऑनलाइन स्टडी का जो बटन जो बच्चों में डाला जा रहा है वो हद से ज्यादा डाला जा रहा है। तो आज जो एलजी साहब ने इनिशिएटिव लिया कि 1.5 घंटे से ऊपर, 1 तक जो बच्चे हैं 1.5 घंटे से ऊपर, और वो भी 2 सेशन में, बच्चों को ज्यादा ऑनलाइन स्टडी नहीं करवाई जाएगी और 5th क्लास तक कोई भी होमवर्क नहीं दिया जाएगा और 9th to 12th क्लासेस के सिर्फ 3 घंटे ही लिए जाएंगे, वो भी 2 सेशन में। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, हम एलजी साहब से, एलजी साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। और साथ ही साथ हम अपील भी करते हैं कि एजुकेशन डिपार्टमेंट को कौन जगाएगा? डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर को किस लिए बिठाया गया है? ये ऑफिसर किस चीज की सैलरी लेते हैं? अगर एलजी जम्मू ने ही मनोज सिन्हा साहब ने ही इनिशिएटिव लेने हैं, जब मोदी साहब ने ही इनिशिएटिव लेने हैं, तो हमारे जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन क्या कर रही है? हमारे जम्मू कश्मीर का एजुकेशन डिपार्टमेंट क्या कर रहा है? हम 2.5 साल से चीख रहे हैं, इन 2.5 साल से चीख के अगर ये ऑर्डर कोई निकालते हैं तो वो ऑर्डर इंप्लीमेंट ही नहीं होते। तो हम ये पूछना चाहते हैं, क्या इस बार एलजी साहब की रिस्पेक्ट रखी जाएगी? क्या एलजी साहब को ये एडमिनिस्ट्रेशन मानती है? क्या एलजी साहब को ये एजुकेशन डिपार्टमेंट, डायरेक्टर एजुकेशन जम्मू, डायरेक्टर एजुकेशन कश्मीर जो है वो मानता है? हम ये पूछना चाहते हैं, क्या एलजी साहब ने जो कल इनिशिएटिव लिया, क्या अभी हर एक स्कूल, जितने भी प्राइवेट स्कूल है, जितने भी माफियाओं के बड़े बड़े स्कूल्स हैं, क्या वो इस चीज को मानेंगे? क्या कोई टास्क फोर्स बनाई गई है? क्या कोई कमेटी बनाई गई है ऐसी जो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए स्कूलों पे एक्शन लेंगे? तो मैं उम्मीद करता हूं आज पूरे जम्मू कश्मीर के एक एक पेरेंट्स की जो उम्मीद जागी है उस बच्ची के कारण, उस बच्ची को सल्यूट करता हूं, उस बच्ची के माँ बाप को सल्यूट करता हूं। और शायद हम जम्मू के लोग तभी पीछे हैं क्योंकि जम्मू का कोई भी इंसान इनिशिएटिव लेने को तैयार नहीं। बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर थे हमारे, उन्होंने एक आवाज तक नहीं निकाली अपने पेरेंट्स के हक में। तो आज जो एलजी साहब ने इनिशिएटिव लिया, हम उसके लिए सल्यूट करते हैं। और साथ ही साथ आपके माध्यम से हम एलजी साहब को कहना चाहते हैं कि एलजी साहब, हमें इस चीज के लिए मजबूर मत कीजिए कि एक एक बच्चा जम्मू का वीडियो बनाए फिर आप कोई एक्शन ले। आज एक एक इंसान परेशान है, पेरेंट्स परेशान है, 1.3 करोड़ जो पेरेंट्स जम्मू कश्मीर में है वो पूछना चाहता है, व्हाट इज ट्यूशन फीस? आखिर ट्यूशन फीस है क्या? ये किस चीज की डिक्टेटरशिप है कि हम लोग घर में बैठकर पूरी ऑनलाइन स्टडी की पूरी मंथली फीस दें, जब हमारे बच्चे सिर्फ ऑनलाइन स्टडी यूज कर रहे हैं, जबकि कल का जो ऑर्डर आया है सिर्फ 1.5 घंटे ऑनलाइन स्टडी दी जाएगी, तो हम पूरे दिन की फीस क्यों दें, पूरी मंथली फीस? तो इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने 15% रिड्यूस फीस का ऑर्डर निकाला, वो भी अभी तक ऑर्डर नहीं निकाला गया जम्मू कश्मीर में। और जो बुक्स का ऑर्डर निकाला हुआ है, आज तक किसी भी स्कूल ने एनसीईआरटी की बुक्स कंप्लीट नहीं लगाई है। और जो ट्यूशन यूनिफॉर्म का ऑर्डर निकाला गया है, अभी भी स्कूल मजबूर करते हैं कि ऑनलाइन स्टडी में यूनिफॉर्म डाल के बैठिए आप। तो किस तरह के आपका अगर कोई ऑर्डर इंप्लीमेंट ही नहीं होता तो आप किस तरह काम करवाएंगे इन डिपार्टमेंट से, किस तरह की उम्मीद रखेंगे? तो मैं एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, जैसे आपने जम्मू कश्मीर की उम्मीदें जगाई है पेरेंट्स की, तो अब उस उम्मीद को कायम रखते हुए एक टास्क फोर्स बनाई जाए, राइट टू एजुकेशन लागू किया जाए, सुप्रीम कोर्ट का 15% फीस रिड्यूस का ऑर्डर जल्द से जल्द निकाला जाए,
अब तो ऑनलाइन स्टडी जो है, जो ये कहते थे हमारे जो टीचर्स हैं वो पूरा पूरा दिल लगे रहते हैं, अब तो सिर्फ 1.5 घंटे की ऑनलाइन स्टडी रहेगी। अब तो फीसें कम कर दीजिए। अब तो पेरेंट्स पे जो बोझ डाला हुआ है, जो पेरेंट्स बेचारा कोई मकान बेच के, कोई अपने गहने गिरवी रख के पूरे पूरे सालों की इनको फीसें दी है, उसका बोझ से तो कम कीजिए। इस कोरोना काल में तो हमारी उम्मीद है, और साथ में हम मोदी साहब के शुक्रगुजार हैं कि मोदी साहब ने एक इनिशिएटिव लिया कि CBSE के 12th क्लास के एग्जाम जो कैंसिल कर दिए गए इस माहौल को देखते हुए COVID-19 के। लेकिन अफसोस इस बात का है कि जेके बोस किसका इंतजार कर रहा है, एलजी साहब का, कि एलजी साहब आदेश देंगे, एलजी साहब इनिशिएटिव लेंगे कि वो जेके बोस के एग्जाम कैंसिल किए जाए, तब जाके ये हमारे बाबू लोग एग्जाम कैंसिल करेंगे। और सबसे बड़ी बात कि जो CBSE और जेके बोस के जो रजिस्ट्रेशन फीस पेपर के नाम से फीस ली गई थी वो अभी तक वापिस आने का ऑर्डर क्यों नहीं निकाला गया, वो जल्द से जल्द ऑर्डर निकाला जाए। और साथ में जम्मू कश्मीर के पेरेंट्स को उस बच्ची से कुछ सीखना चाहिए, जो यहाँ के पेरेंट्स ये बात कहते हैं कि हमारी बच्ची हाईलाइट हो जाएगी, हमारी बच्ची नाम आ जाएगा, स्कूल वाले परेशान करेंगे, तो उस बच्ची से सीखिए, उसके माँ बाप से सीखिए। फिर आप कहते हो कश्मीर सब कुछ ले गया तो जम्मू रह गया, जम्मू अपनी गलती से पीछे रहता है क्योंकि जम्मू आवाज उठाना नहीं जानता, जम्मू यूनाइट होना नहीं जानता, जम्मू अपने बच्चे के लिए लड़ना नहीं जानता।